ढील दे, ढील दे दे रे भैया। ढील दे, ढील दे दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे, जैसे ही मस्ती में आए। अरे जैसे ही मस्ती में आए, उस पतंग को खींच दे, ढील दे, ढील दे दे रे भैया। तेज 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 है मांझा अपना, तेज है, तेज 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 है मांझा अपना, तेज है। उंगली कट सकती है बापू, हो उंगली कट सकती है बापू, तो पतंग क्या चीज है रे, ढील दे दे रे भैया। ढील दे, ढील दे दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे, जैसे ही मस्ती में आए। जैसे ही मस्ती में आए, उस पतंग को खींच दे, ढील दे, ढील दे दे रे भैया। तो मैं काइट क्रेजी हूँ, मुझे काइट फैनेटिक्स भी कहते हैं। काइट फ्लाइंग, एज आई हैव सेड, इट इज अ पैशन एंड इट गिव्स मी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। जब भी मैं काइट रात भर बैठ के बनाता हूँ, मैं अक्की रात राइट काइट्स बनाता हूँ, मुझे कोई थकान महसूस नहीं होती है। मुझे पतंग बनाना और उड़ाना बचपन से ही बहुत शौक था, लेकिन बचपन में मैं न्यूज़पेपर की ट्रेडिशनल इंडियन फाइटर काइट्स बनाता था। और उसके बाद जब मेरी शादी हुई और मेरे बच्चे हुए निसर्ग और सृष्टि, तो जब वो 3-4 साल के थे तो उन्होंने डिमांड किया कि पापा मुझे सुपरमैन, मिकी माउस और ऐसे पतंग मुझे चाहिए। मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आप क्यों नहीं, आप खुद का आर्ट अच्छा है और आपको तो पतंग बनाना आता है, तो आप क्यों नहीं बनाते हो उनके लिए। तो वहाँ से मैंने पतंग बनाना, डिजाइनर काइट्स बनाना शुरू किया। मैंने मिकी माउस, सुपरमैन वो सब बना, और वहाँ से मेरी फैंसी काइट्स बनाने की शुरुआत हुई। और ये बात है 93 की, बहुत ही रोमांचक फीलिंग होता है और ये खुशी मेरी डबल चौगुनी हो जाती है जब ये काइट मेरा खुद का डिजाइन किया हो। मैं रात भर उसको खुद ही सीता हूँ, खुद ही उसको ड्रॉ करता हूँ, कटिंग और स्टिचिंग करता हूँ, और जब ये सक्सेसफुली उड़ता है तो मेरी खुशी एक रॉकेट साइंटिस्ट जैसी होती है। जब इंडिया GSLV3 लॉन्च करता है और सक्सेसफुल होता है, तो शायद उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे मिलती है, क्योंकि एक मेरा प्रोडक्ट और मेरी मेहनत से बना हुआ चीज़ आसमान में सक्सेसफुली लहरा रहे हो। और ये खुशी जब मैं दूसरों में बांटता हूँ, जब मैं बच्चों में वो खुशी देखता हूँ, तो मुझे और भी खुशी होती है। और वो तो देखा जाए तो सिर्फ मुझे ही ये सब करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत ही लकी हूँ, खुशकिस्मत हूँ कि मेरी फैमिली, मेरी वाइफ आरती, मेरा सन निसर्ग और मेरी डॉटर सृष्टि, मेरे रिलेटिव्स, सभी लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। जब भी मेरा कोई प्रोग्राम होता है वो वहाँ खुद आते हैं, मुझे हेल्प करते हैं। और मेरा एक डायलॉग है कि आई मे हैव स्वैम द ओशन, बट दिस आर द पीपल हु पुश मी इनटू। पतंग मैं बनाता हूँ, मैं डिजाइन करता हूँ, मैं उड़ाता हूँ, लेकिन ये जो 99% जो इन लोगों का सपोर्ट और बैकिंग है, शायद मैं आप जो कुछ भी मैंने छोटा बड़ा अचीव किया हो इनकी वजह से। और मैंने इंडिया में बहुत से जगह पे वर्कशॉप्स किए हैं, काइट शोज किए हैं, मैं बच्चों को काइट सिखाता हूँ। मैंने IIT पवई में भी काइट वर्कशॉप्स और काइट शोज किए हैं, और एंटी कैप चिल्ड्रंस के लिए काइट वर्कशॉप और शोज किए, और काइट्स को मैंने कैंसर अवेयरनेस, एड अवेयरनेस, पोलियो एडिक्शन, ऐसे अलग अलग प्रकार के सोशल कॉज के लिए भी मैंने काइट के यूज़ किए। ब्लाइंडमैन एसोसिएशन पूना, हैंडीकैप चिल्ड्रन दानू, उनके लिए मैंने फंड रेजिंग के लिए मेरे काइट शोज किए और वर्कशॉप्स किए। आज मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरा भगवान ने मुझे टैलेंट दिया जो मैं दूसरे को खुशियाँ दे सकता हूँ। और इंडिया में पंजाब, दिल्ली, कलकत्ता, मैंगलोर सभी जगह पे है, लेकिन थोड़ा ये आर्ट थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि अब कंप्यूटर्स और टीवीज आ गए तो बच्चे लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये स्पोर्ट्स को अब जरूरत है ज़्यादा, क्योंकि इससे हम बाहर जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, नए दोस्त बनाते हैं। काइट फ्लाइंग से आपको एकाग्रता होती है, यू कैन लर्न टू कॉन्सेंट्रेट, यू कैन लर्न टीम वर्क। जब मैं वर्कशॉप्स करता हूँ तो मैं बच्चों को 6-10 बच्चों को साथ में रखता हूँ, एक बच्चों को बताता हूँ, वो एक बच्चा सभी को लीडर बनके सबको सिखाता है। तो आई ट्राई टू क्रिएट टीम वर्क, यूनिटी एंड सो मेनी थिंग्स कैन बी डन। मेरे ड्राइंग की वजह से मैं, मेरी ड्राइंग, मेरी क्रिएटिविटी, आई वॉन्टेड टू बी अ फाइटर पायलट,
Unfortunately, कुछ वजह से मेरा वो ड्रीम सक्सेस ना हो पाया. I couldn't saw my country. लेकिन आज मेरे पतंगों में आप फाइटर प्लेन्स, मेरे पतंगों में आपको इंडिया का फ्यूचर स्पेस शटल जो मैंने प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम को गिफ्ट भेजा था, तो उन्होंने पर्सनली लेटर साइन बाय हिम अप्रिशिएटिंग माय काइट एक्टिविटीज एंड माय टैलेंट, उन्होंने लेटर भेजा. ये काइट फेस्टिवल जो अहमदाबाद में ही हो रहा था, आज पूरी इंडिया में होने लगा है. आज ये मैंगलोर, गोवा, कोचिन, हैदराबाद, जोधपुर ऐसे बहुत से शहरों में ये फेस्टिवल होने लगा है और ये स्प्रेड हो रहा है. और आज ये फिर से, और मुझे आज इतनी खुशी हुई जब कल मैंने धामी में इतने काइट्स उड़ते हुए देखे जो ऑलमोस्ट नील थे. तो ये स्पोर्ट्स रिवाइव भी हो रहा है. द सन काइट इज अ स्पेशल काइट. It flies this two line. That is why we call it a two line stun kite. And with that line, we let out the line to 75 feet. And we fly it with two specially made handles. And you have to practice and you have to learn how to fly. आज काइट हाईटेक हो गया है. इट इज नो मोर अ चाइल्ड्स प्ले. पतंग बच्चों का खेल नहीं रहा. आज आपको पतंग के अंदर बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े इंजीनियर्स, रॉकेट इंजीनियर्स, अमेरिकन इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल होते हैं वहाँ आपको मैथमेटिशियन, प्रोफेसर, रॉकेट इंजीनियर्स, नासा के इंजीनियर्स भी आते हैं. तो वो लोग इट इज नॉट अ हॉबी बट इज अ चैलेंज टू डिजाइन सच अ थिंग एंड टू सक्सेसफुली मेक इट फ्लाइंग.